महाशक्ति महादेवी आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। प्रेम से बोलिए जय माता की। देवी माँ भगवती ममता मई हैं, करुणा मई हैं, वे अपने भक्तों पर सदा ही करुणा बरसाती हैं। जैसे माता अपने पुत्रों से हमेशा स्नेह रखती है, वैसे ही देवी माँ अपने शरण में आए हुए सदाचारी भक्तों पर अवश्य ही कृपा करती है। वैसे तो माँ भगवती की बहुत सारी स्तुतियाँ प्रचलित हैं, परंतु इस स्तुति में बहुत ही कम शब्दों में माँ देवी की महिमा का गुणगान किया गया है, जो महर्षि व्यास जी द्वारा रचित है। महर्षि व्यास जी द्वारा लिखा गया माँ दुर्गा का यह स्तोत्र परम कल्याणकारी है। इसका नित्य श्रवण अथवा पाठ करने से मनुष्य हर संकट से दूर रहता है। देवी माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए श्री व्यास जी रचित माँ देवी का यह स्तोत्र शुरू करें। प्रेम से बोलिए जय माता की। हे वरदायिनी देवी, हे भगवती, आपकी जय हो। हे पापों को नष्ट करने वाली और अनंत फलों को प्रदान करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो। हे शुंभ निशुंभ के मुंडों को धारण करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो। हे मनुष्यों की पीड़ा को हरने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्रों को धारण करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो। हे अग्नि के समान दैदीप्यमान मुख से शोभित होने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो। हे भैरव शरीर में लीन रहने वाली और अंधकासुर का शोषण करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, शूल को धारण करने वाली और लोक के समस्त पापों को दूर करने वाली माँ भगवती, आपकी जय हो, जय हो। श्री ब्रह्मा विष्णु सूर्य और इंद्र से नमस्कृत होने वाली हे देवी, आपकी जय हो, जय हो। शस्त्रधारी शंकर जी और छह मुख वाले कार्तिकेय जी द्वारा वंदित होने वाली माँ देवी, आपकी जय हो, जय हो। शिव जी के द्वारा प्रशंसित एवं सागर में मिलने वाली गंगा रूपिणी देवी, आपकी जय हो, जय हो। दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली तथा पुत्र एवं पत्नी की उन्नत करने वाली हे देवी, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप समस्त शरीरों को धारण करने वाली तथा स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारिणी हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे व्याधिनाशिनी देवी, मोक्ष तो आपकी हथेली में है, आपकी जय हो, जय हो। हे मनोवांछित फल देने वाली अष्ट सिद्धियों से संपन्न देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो कहीं भी पवित्र भाव से नियम पूर्वक इस व्यास कृति स्तोत्र का पाठ करता है अथवा शुद्ध भाव से घर पर ही पाठ करता है, उसके ऊपर देवी माँ भगवती सदा ही प्रसन्न रहती हैं। तो प्रेम से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रेम से बोलिए जय माता की। श्री व्यास जी कृत
देवी स्तोत्र संपूर्ण। प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें जय माँ भवानी, और कृपया मन सरोवर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।